टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द आयंस, ठीक है। वैसे मैंने आपको आयंस बताए हुए हैं, कैटायंस एंड एनायंस। हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में भी कैटायंस और एनायंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, एंड एनायंस Name some cations and anions from first 20 elements. Name some cations and anions from first 20 elements. पहले cations बताओ. और कैल्शियम, लिथियम, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद एनायंस, द स्पीशीज दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। बस आराम से दीज आर सम ऑफ योर एनायंस। अब फर्स्ट 20 तो अपने याद रखने रखने हैं। इसके अलावा कुछ और कैटायंस एंड एनायंस हैं जो हम याद करेंगे, एंड वी विल बी यूजिंग ऑल दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट, यू आर बेसिकली लर्निंग CuSO4 फ्रॉम योर लोअर क्लासेस एज इट इज, बट ये बना कैसे, कैसे कॉपर के साथ सल्फेट जो है वो ट्रांजिशन में आया या मिक्स हुआ है, ओके, कैसे कंबाइन हुआ है और कॉपर सल्फेट बना है, अब हम ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो वी विल बी फॉर्मिंग द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स, क्लियर है। अब जो आपके एनसीईआरटी में जितने आयंस हैं एक्स्ट्रा हम वही करेंगे, उसके अलावा मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो जो आपका एनसीईआरटी का टेबल है प्लस दिस टेबल यू हैव टू ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक्स ऑल्सो, ओके, जो भी मैं करवाऊंगी, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद I am saying repeating again, जो first 20 elements वाले ions हैं, that is on you, आपने वो पढ़ लेने हैं सारे। मैं सिर्फ extra करवाने लगी हूँ जो इसके अलावा extra हैं हमारे, okay? मैं पिछले exam में एक carbon carbon वाला question आया क्या? अब जब भी carbon carbon में ऐसे कुछ question आया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। Sodium potassium हो गया, उसके बाद next लिखो silver। सिल्वर का सिंबल लास्ट टाइम करवाया था, इट कैरीज वन पॉजिटिव चार्ज, एजी पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। कॉपर इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, सी यू पॉजिटिव, सी यू टू पॉजिटिव, एक क्यूप्रस है एक क्यूप्रिक है, ठीक है। अब Sometimes in your paper, ये देने की बजाय हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, there is one in Roman, there is one in Roman that is specifying this form of copper, clear? अगर मैंने आपको copper one लिखा है, क्योंकि copper दो state में है, आप मेरे से पूछोगे कि मैम आप कौन से state की बात कर रहे हो, पूछोगे ना, तो अगर मैंने उस कॉपर के साथ वन लगाया है तो आपको पता चल जाएगा कि हम कॉपर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे टू लगा दिया है तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, टू पॉजिटिव, और ये नंबर हमेशा रोमन में लिखना है। दैट मीन्स ये वन और ये टू आपको क्या शो कर रहे हैं, वैलेंसी शो कर रहे हैं, फर्स्ट की वन ही है, ठीक है। अगर मैं वो बताऊं आपको तो सिल्वर वन, पर क्योंकि वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसीलिए मैं आपको ऐसे बता दूं, जो दो चीज दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे वो हम ऐसे बताएंगे, दो दो फॉर्म, कॉपर पॉजिटिव कॉपर टू पॉजिटिव। आयरन का भी बताती हूँ, आपकी क्लास में ना वो नहीं है, थोड़ा सब्र नहीं रखते हो, पेशेंस है ही नहीं आपकी क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट लिखो जिंक,
Zn2 पॉजिटिव. मैग्नीशियम कर लोगे, कैल्शियम कर लेंगे, उसके बाद जिंक मैंने आपको करवा दिया, कॉपर टू पॉजिटिव भी करवा दिया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम. अब आते हैं आयरन पे, आयरन Fe टू पॉजिटिव एंड Fe जो टू फेरिक है, जो कम नंबर वाला होता है वो फेरस है, जिसमें वैलेंसी ज्यादा है वो फेरिक है. कौन सा सड़ जाता है बेटा? जिसकी वैलेंसी ज्यादा है वो फेरिक है, जिसकी वैलेंसी टू है वो फेरस है. वैसे ही ये क्या है? क्यूप्रस. जिसकी वैलेंसी कम है उसको आपने OUS के साथ डिनोट करना है, क्यूप्रस. दिस इज क्यूप्रिक. ओके, आगे लिखिए हाइड्रोजन. हाँ जी, आयरन के साथ टू आ जाएगा और नंबर हमेशा रोमन्स में लिखना है, ठीक है? टू एंड थ्री. हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव, अगर एच नेगेटिव लिखूं तो दैट इज हाइड्राइड. अगर मैं एच नेगेटिव लिखूं तो उसको क्या कहूंगी मैं? हाइड्राइड, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लिखो इसको, आप क्या कहते हो सीएल को? क्लोरीन कहते हैं. जब ये आयन बन जाता है तो आपने इसको क्लोरीन नहीं कहना, क्लोराइड कहना है. क्या कहना है? जब ये आयन बन जाएगा तो ब्रोमीन की बजाय, जब ये बन जाएगा तब ये क्या है? जब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन नहीं कहना. हाँ तो माइनस टू में लिखा मैंने भी, मैंने कौन सा प्लस लिखा? वो पहले वाले सारे माइनस. जैसे ऑक्साइड लिखा है वैसे ही ये क्या है? बता चलो आगे लिखो. Now you have to learn three things, ठीक है? छोटे क्लासेस से आप कॉपर सल्फेट पढ़ के आते हो. What is the formula of sulfate? सुनते नहीं हो ध्यान से. सल्फेट पूछा मैंने, SO4. You remember SO4? Two negative as, ठीक है? ये देखना है बस, एट. इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन कम कर दो क्या बनेगा? SO3 टू दैट इज एट से हम किस में आ गए? आई. सारे ऑक्सीजन रिमूव कर दो. ये क्या लिखा? एट आइट आइड. आपको याद है छोटी क्लासेस से एट SO4 2 नेगेटिव, उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दो तो वो सल्फाइट बन जाता है, सारे ऑक्सीजन हटा दिए तो वो सल्फाइड बन जाता है. याद रह जाएगा? SO2 तो आयन थोड़ी ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गए. ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? याद हो जाएगा? सारे लर्न करने हैं आपने. दीज ऑल शुड बी
लर्न्ड बाय यू ओनली देन. हाँ जी चैप्टर एक ही है बेटा, यही धुएं निकाल देगा. ठीक है अब उसके बाद जैसे आपने ये पढ़े हैं सेम है नाइट्रेट नाइट्राइट एंड नाइट्राइड. ठीक है अगेन वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम NO3 1 नेगेटिव. सल्फाइड कैसे बना था? एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, इसमें भी रिमूव कर दो. सल्फाइड कैसे बना? इसमें भी मैंने सारे ऑक्सीजन हटा दिए, बट इसका चार्ज 1 की बजाय 3 पे शिफ्ट कर दूंगा, बस इतना चेंज है. क्लियर हो गया दोनों फॉर्म्स? बस बेटा बस और नहीं. ठीक है बेटा वो आप आगे पढ़ोगे. हाँ जी क्लियर है. 8 8 8 ओके. नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट इज CO3 2 नेगेटिव. कार्बोनेट. ठीक है इसमें CO3 2 नेगेटिव में हाइड्रोजन नहीं थी तो मैंने इसको सिंपली कार्बोनेट आयन कहा. अब यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दी है प्लस जो उसका चार्ज है वो 2 से किसमें चला गया? 1 में. दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट. कौन से एन के बाद? ये वो कैपिटल है बेटा, ऑक्सीजन ही है. नेक्स्ट इज PO4 3 नेगेटिव, दैट इज फॉस्फेट. नेक्स्ट राइट डाउन. हाइड्रोक्साइड दैट इज OH नेगेटिव. एंड लास्ट इन दिस टेबल इज अमोनियम NH4 पॉजिटिव. लास्ट इन दिस टेबल इज अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव. यस धीरेन. बोलो बेटा. मैम हमने लिखा CO3 2 नेगेटिव मैम, लेकिन सी का चार्ज हमने +4 या -4 नहीं लिखा उसमें. CO3 2 नेगेटिव लिखा बेटा मैंने. तो मैम उसमें ऑक्सीजन का चार्ज तो -2 और सी का चार्ज क्यों लिखा उसमें हमने? वो ओवरऑल चार्ज है, सबका ही चार्ज है बेटा. वो CO3 2 नेगेटिव वो सबका ओवरऑल चार्ज है. ठीक है तो मैम सबके ओवरऑल चार्ज डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एन का माइनस. वो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी आपको पॉलीएटॉमिक आयंस में. ठीक है ओके दैट वी विल बी डिस्कसिंग पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस देखो देखो बेटा जैसे आप पढ़ के आए हो ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है, एक एटम लगा हुआ है. ठीक है इसमें भी एक एटम लगा हुआ है. व्हेनेवर यू आर हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स
जब आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से दो हैं, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, इसमें दीज आर पॉली एटॉमिक आयंस, ये नॉर्मल आयंस नहीं होते हैं, ये कैसे आयंस होते हैं, पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब होता है मेनी एटम्स, हाँ मोर देन वन, पॉली मीन्स मोर, मोर देन वन एटम वाले जो हैं, ये मोर देन वन एटम वाले हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए दो, यहाँ पर भी दो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, बट यहाँ पर सेम था, एक नाइट्रोजन है एक सल्फर है, ओके, दीज आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस. Whenever you are having more than one atom, that ions are known as polyatomic ions. तो जो हम इनके ऊपर चार्ज लिखते हैं, ये ओवरऑल चार्ज होता है, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का कंबाइन करके जो ओवरऑल चार्ज आया है आपके पास, हम वो लिखते हैं, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का चार्ज लिखा हुआ है और कार्बन का चार्ज नहीं लिखा, ठीक है धीरेन. Here we will be writing the overall charge of these both. दोनों का ओवरऑल चार्ज हमने कैलकुलेट करेंगे और दोनों का इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ओके क्लियर है. हाँ तो कंपाउंड्स भी बनाएंगे ये, अभी ये आयंस बना रहे हैं क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है. व्हेन द एटम्स, व्हेन इन द आयंस देयर आर मोर देन वन एटम, ये आयनिक फॉर्म में है प्लस इसमें ज्यादा एटम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस. क्लियर है यहां तक. अभी नेक्स्ट चलते हैं टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग केमिकल फॉर्मूलाज, दैट इज एक्चुअली द मेन टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इसका पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज का. Let's start from the very simple sodium chloride. Since your paper is subjective this time, so there are some instructions of writing the chemical formulas, otherwise your marks will be deducted. You know what is sodium chloride? Chote classes se padh ke aa rahe ho, ab verbally bhi bol doge NaCl, I know. अगर आपने सिंपली इसके नीचे NaCl लिख दिया, नंबर कट जाएंगे, ठीक है. लिखने का क्या तरीका है, इनिशियली यू हैव टू राइट देयर सिंबल्स, दोनों अलग अलग जो आपके एटम्स हैं आपने उनको देखना है. एक आपका क्या है, दूसरा कौन सा है, एक का सिंबल लिखो सोडियम है, दूसरे का सी. नेक्स्ट इज वैलेंसी, एन ए के ऊपर कितनी वैलेंसी है, सी एल की वैलेंसी, वैलेंसी में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखना है हमने, वी विल बी राइटिंग ओनली नंबर्स. सो आफ्टर दिस जो क्लोरीन का नंबर है वो हमने सोडियम को दे देना है, और जो सोडियम का नंबर है वो हमने क्लोरीन को दे देना है. So you will be getting a number like this, ऐसे ही. और ये जो numbers हैं आपने ये इनके पैर में लिखने हैं, यहाँ पे, हाँ नीचे bottom side. Whenever we are having one one that need not to be mentioned. हाँ जी बेटा, तो that is the formula NaCl. अब अगर आपने ये सारी चीजें नहीं mention की होंगी, सीधा NaCl लिख दिया होगा तो number नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल दूं, ठीक है, राइट. नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड.
बेटा मैं वही तो बोल रही हूँ, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। सोड कैल्शियम का सिंबल, ऑक्साइड कैल्शियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्रिस क्रॉस करेंगे। आफ्टर डूइंग क्रिस क्रॉस व्हाट वी आर गेटिंग, सी ए टू ओ। नाउ व्हेन एवर यू आर हैविंग थिंग्स लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होता है, आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। ओके, यहाँ पर टू दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर निकाल लिया। यू आर लेफ्ट विद सी ए वन ओ वन, वन वन हम नहीं शो करते हैं तो मैंने रिमूव कर दिया। और आफ्टर टेकिंग कॉमन जो भी आपका नंबर आया बाहर, आपने उसको भी भूल जाना है। आफ्टर टेकिंग कॉमन जो आपका नंबर आया है बाहर, उसको भी आपने भूल जाना है। ओनली यू आर लेफ्ट विद सी ए, क्लियर है? अब वहां से भी काट सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। बट हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले ही कंबाइन करते हैं। हाँ, तो तुम बोल रहे हो काम नहीं करते अगर वो, सिर्फ वैलेंसी शो करनी है। अदरवाइज फॉर्मूला में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दैट इज अंडरस्टूड कि सी ए जो है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ही कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट राइट डाउन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जी क्या है, एम जी यहां पर आएगा, सी एल यहां पर आएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी, व्हेन यू आर डूइंग द क्रिस क्रॉस, तो मैग्नीशियम को आपने वन नंबर देना है। वन को मैं शो नहीं करती हूँ, नहीं करते ना वन को शो। क्लोरीन को कौन सा नंबर देना है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, डन। नेक्स्ट राइट डाउन, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या जो है, उसने की तरफ जाना, इसका क्या मतलब, इसका है, ऐसे कोई मतलब नहीं होता कि Mg के ऊपर जाएगी या 1 के ऊपर जाएगी। आपने Mg को 1 देना और क्लोरीन को 2 देना, तू ऐसे कह रहा है, इसका क्या हो जाएगा फिर, इससे क्या हो जाएगा, एरोज ये देनी है आपने। Mg हाँ तो कटने ही है क्योंकि फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों लिखेंगे, तो वहां पे तो कटिंग हो रही थी क्योंकि वहां पे दोनों टू टू हैं, यहाँ पे एक वन है एक टू है, कैसे कट करोगे, कौन सा नंबर कॉमन लोगे इसमें से। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड डन, टू भूल गए हम, ठीक है, जो आपने टू बार निकाला है उसको आपने भूल जाना है। वी आर लेफ्ट विद सी ए ओनली। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में एक मॉलिक्यूल कौन सा है, एक एटम कौन सा है और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, That is H2. Next, write down. Next, write down ammonia. अब
अमोनिया। अब इसमें आपको कोई आपके एलिमेंट्स का क्लू नहीं मिला है। जब आपका हो जाएगा मुझे बता देना। बोलिए सबने, बोलू अब मैं। इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यू आर नॉट गेटिंग एनी हिंट ऑफ द एटम्स और एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको क्लियरली पता चल रहा था कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको नहीं पता चल रहा, सो दैट मीन्स वी हैव टू रिमेम्बर इन केस ऑफ अमोनिया आर टू एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी, देन अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग NH3, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट राइट डाउन कार्बन डाइऑक्साइड। Draw the chemical formula for carbon dioxide. Carbon dioxide. हाँ, इसमें भी हम कॉमन लेंगे। वन इज कार्बन, सेकंड इज ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी, सो यू विल बी गेटिंग C2O4। ये 2, ये 4, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी CO2। नेक्स्ट राइट डाउन कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाउ व्हेन एवर यू आर हैविंग मॉलिक्यूल्स लाइक दिस डाई ट्राई टेट्रा, ये वर्ड्स जहां पर आगे यूज करते हैं, दीज वर्ड्स आर जस्ट नंबर। जहां पर डाई का मतलब 2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई बोला था ना डाइऑक्साइड, तो 2 ऑक्सीजन लग गए थे। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, तो यानी कि हमने ये जो आगे वाले नंबर है इनको क्या कर देना है? नेग्लेक्ट कर देना है, बिल्कुल देखना नहीं है इनको, हमने नहीं देखना है इन नंबर्स को। वी विल बी जस्ट सर्चिंग फॉर आर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट कौन सा है? दूसरा, एक तरफ लिखो कार्बन, एक तरफ लिखो क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला यू विल ऑटोमेटिकली बी गेटिंग 4, दैट इज एक्चुअली शोइंग इन द फॉर्मूला। बोला ना उसने एक कार्बन और टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन, तो हो गए 4 क्लोरीन शो। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है और कितने ऑक्साइड हैं? बाद में आगे 2, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला में बाद में अपीयर हो जाएंगे। यू जस्ट ट्राई टू सर्च फॉर योर एलिमेंट्स, बस आपने ये देखना है। आगे टेट्रा लगा हुआ है, आपने वो नेग्लेक्ट कर देना, आपने नहीं देखना। इज दैट क्लियर? चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन। कहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, तो उसका नाम बाद में वही बन रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बन रहा है CCl4। वहां क्यों लिखना है?
ऐसे तो आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड में भी लिख सकते थे, वहां पे तो ऑक्सीजन का टू लिखा इसलिए आपको लगा आपने वो लिख दिया, बट यहाँ पर बाद में फॉर्मूला में बन के आएगी वो चीज, आपने एलिमेंट्स देखने हैं बस अपने। नेक्स्ट राइट डाउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आओ ब्लैक बोर्ड पे, ऑक्साइड जल्दी आओ, बस रहने दो। Thank you.